मैं तुमसे अच्छा निशाना लगा सकती हूँ। इसे मेरे सिर में मत मारो। ये सही नहीं है, हम प्रिंसेसेस हैं। बॉल फेंको बेवकूफ। क्या कर रही हो तुम सब शैतान लड़कियां? फिर से जवाब क्यों नहीं देती? क्या कर रही थी तुम सभी लड़कियां? हम बस खेल रहे हैं। तुम सभी प्रिंसिपल के ऑफिस में चलो अभी। आओ मेरे पीछे। क्या किसी ने तुम्हें स्कूल में खेलने की इजाजत दी? नहीं। बिल्कुल सही। फिर तुमने स्कूल के हॉल को क्यों तोड़ डाला? हाँ, हम ये दोबारा नहीं करेंगे। बेशक तुम नहीं करोगे, नहीं तो तुम स्कूल से नहीं जा पाओगे और मैं तुम्हें कमरों में बंद कर दूंगी। हमारे कमरों में नहीं, प्लीज। क्या मैंने तुमसे कुछ बोलने के लिए कहा? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें 100 साल के लिए सुला दूं? नहीं, सुई नहीं। अब चले जाओ यहाँ से। हमें हमेशा इसे घसीट के क्यों ले जाना पड़ता है? हम एक परिवार की तरह हैं। हमें बस इसे कम खाने के लिए कहना है। हाँ, ये भारी होती जा रही है। स्वागत है राजकुमारियों। ये प्यारा लड़का कौन है? कोई प्रिंस होगा हमारे स्कूल में। मैं सिंडरेला हूँ। तुम सभी लड़कियां यहाँ पर क्या कर रही हो? प्रिंस को परेशान मत करो। आओ चलो भी जैक, मुझे ऐसी खूबसूरत राजकुमारियों से बात करने में बहुत मजा आता है। चलिए राजकुमार, मेलिफिसेंट आपका वेट कर रही है। तुम हमेशा चीजें बिगाड़ देते हो। बाद में मिलते मेरी जान। बाय जैक। वो कौन है? हमें बताओ। वो प्रिंस नेट है और वो क्लास में आने वाले हैं आज से। वो कहाँ का प्रिंस है? क्या वो एक शिकारी है? हमें सब कुछ बताओ। परेशान करके रख दिया है। हमेशा की तरह। ठीक है, चलो इसे घसीटते हैं। सुंदर, आईना आईना सब में सबसे गोरा कौन है? हर बार की तरह तुम ही खूबसूरत हो मेरी जान। वैसे तुम इतने नाराज क्यों लग रहे हो? तो क्योंकि तुम हर बार मुझसे एक ही सवाल करती हो। मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार पूछूंगी, समझे? तुम चिल्ला क्यों रही हो? चुप रहो। अभी उठी हूँ। तुम पागल हो, तुम इतने चुपचाप क्यों घूम रही हो? तुम अब तक यहाँ क्यों हो? क्लास में जाओ जल्दी। फिर से? हम अभी तो क्लास में थे। वैसे भी तुम हमेशा सोती रहती हो, चलो अब। तो प्रिंस कहाँ है? तुम लोग फिर से मुझ पर कोई ट्रिक कर रहे हो? अब हम मेलिफिसेंट को पूछेंगे। अरे नहीं, तुम ही पूछना। क्या क्लास के लिए किसी को देर नहीं हुई? प्रिंसिपल, प्रिंस कहाँ है? क्या वो हमारे साथ पढ़ने वाला है? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। कितना प्यारा मेंढक है। हाय। ये सब किस लिए है? जो कोई भी इस मेंढक को प्रिंस बना सकता है वो 5 मिनट के लिए बालकनी में जा सकता है। हुरे! शुरू करो। वो मंत्र कहाँ है? इंसान को मेंढक में बदलना? नहीं, मुझे इसका उल्टा चाहिए। ये किताब एकदम स्टूपिड है, मैं अपने आप ही कर लूंगी। एरो, प्रिंस के पास उड़ो, उसे ढूंढो। मेरी जा, हथियार नहीं, क्लास से जाओ।
मेरे प्रिंस चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जादू तोड़ दूंगी। तुम्हारी बातचीत उसे बदलेगी नहीं। तुम क्या काट रही हो? सैंडल्स, मैं उन्हें मेंढक पे रखूंगी और वो वापस एक प्रिंस में बदल जाएगा। और थोड़ा सा ये। क्या तुम केमिकल बना रही हो? हाँ, एक एनर्जी केमिकल। और प्रिंस को एनर्जी केमिकल की जरूरत क्यों है? ये प्रिंस के लिए नहीं, मेरे लिए है, ताकि मुझे नींद ना आए। तुम लोग बेवकूफ हो, राजकुमार को सिर्फ एक किस से बचाया जा सकता है। तो पागल, मैंने तुम्हें उल्लू बनाया, कोई मेंढक प्रिंस नहीं है। क्या? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इसका क्या करूं? तुम आजाद हो, क्लास खत्म हो गई है। बढ़िया, चलो चलें। स्नो व्हाइट, आओ तुम्हारे लिए मरहम ढूंढते हैं। मुझे ये सारे मरहम मिले हैं। क्या तुमने सब चेक कर लिया? मुझे नहीं लगता कि ये मदद करेगा। ये सबसे अच्छे मरहम हैं। प्लीज कुछ और देखो। ठीक है। मेरे बेचारे प्यारे हाथ। मुझे देखना है कि मैं कितनी सुंदर हूँ। आईना, आईना। क्या तुम फिर आ गई? तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ने वाली क्या? मुझे बताओ, सबसे सुंदर और प्यारी कौन है? हाँ हाँ, तुम ही हो। एक मिनट, ये तुम्हारे हाथ पीछे क्या कर रहे हैं? कोई वजह नहीं, इस तरह खड़े रहना बहुत ही अच्छा है। दिखाओ मुझे। बहुत बढ़िया, तुमने अपना हाथ ही जला लिया। मुझे पता है, अब मैं भयानक हूँ। चलो रहो मत, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त क्या है? मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम मुझे एक हफ्ते तक बिल्कुल परेशान नहीं करोगी। हाँ ठीक है। हुर्रे, मसे चले गए, चले गए, चले गए। शुक्रिया आईना। एक महीने बाद मिलते हैं। मुझे भूख लगी है। हाँ, मुझे कुछ अच्छा खाना चाहिए। हाँ, शिकार पर जाना, जंगली सुअर भूनना, मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। मुझे गाजर पसंद है। कैसी हो राजकुमारियों? हेलो, तुम्हारे पास क्या है? अच्छी खुशबू आ रही है। ये पिज्जा चाहिए क्या? हाँ जरूर। ये तो जंगली सुअर से भी ज्यादा टेस्टी है। कहाँ से मिला ये? पास के ही कैफे से लेकर आया। कैफे में? तो तुम यहाँ से निकल सकते हो, लेकिन स्कूल तो जादुई है। सारा जादू इस कड़े का है, इस कड़े पे भी किसी बाबा जी ने मंत्र फूका था। तुम्हारे पास इसके अलावा और तो नहीं होगा ना? बिल्कुल है। इसे मुझे दे दो, इसे मुझे दे दो। ये मैंने उसके लिए बचाया था जिस लड़की से भी मुझे प्यार होगा। अरे नहीं, मुझे तो काम पर जाना था। क्या तुम इसका मतलब जानते हो? जिस किसी से भी प्रिंस को प्यार हो जाए वो यहाँ से निकल सकता है। वो मैं हूँ। नहीं, मैं। ला, 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 ला। कहाँ है? कहाँ है? मेरिडा, मैंने अभी सफाई की है, फिर से साफ कर लो। अरे गंदगी करना बंद करो। मुझे परेशान मत करो, मैं ढूंढ लूंगी। तुम ढूंढ क्या रही हो? मेरा धनुष, क्या किया तुमने उसके साथ? यहाँ नहीं है, मैंने हमेशा की तरह कहीं छोड़ दिया। हद है, क्या मुझे पूरे स्कूल की तलाशी लेनी पड़ेगी? तुम्हें उसकी इतनी जरूरत क्यों है? वेल,
प्रिंस नेट के पास दो कंगन है जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, और दूसरा कंगन वो अपनी गर्लफ्रेंड को देगा। बढ़िया, हुर्रे! उसे मुझसे प्यार हो जाएगा, लेकिन पहले मुझे फिर से सफाई करनी होगी। ठीक है, गुड लक। ठीक है, मैं अपने चूहों को बुलाऊंगी। चूहे नहीं! तुम कितनी बहादुर हो और तुम चूहों से डरती हो। वो भयानक हैं, भालू से भी बदतर होते हैं। और मुझे अपना धनुष ढूंढना है। पहले मैं। पीछे हटो, तुम तो मेकअप भी नहीं कर सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? इसलिए मेरे पास एक किताब है। तुम किताब से मेकअप सीख सकती हो। हंसो मत। ठीक है, आँखों का मेकअप कहाँ है? ठीक है ठीक है, मुझे मेकअप की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी भी सबसे गोरी हूँ। क्या तुम हो? आओ आईने से पूछें। बिल्कुल ठीक। आईना आईना, हम में से कौन ज्यादा सुंदर है? तुम में से सबसे सुंदर है स्नो व्हाइट। क्या? क्या तुम पागल हो? मैंने तुमसे कहा था। अब मैं तुम्हारी सुंदरता को ठीक करूंगी। बस सिर्फ तुम्हारी वजह से अब मेरिडा या सिंड्रेला को प्रिंस मिल जाएगा। सही कहा, बेहतर होगा कि हम पहले उन्हें रास्ते से हटा दें और फिर हमारे बीच इसे सुलझा लें। डील? डील? वैसे ये स्लीपिंग ब्यूटीज कहाँ है? शायद वो प्रिंस के साथ है। नहीं, शायद कहीं सो रही हो। ये रहा, एनर्जी केमिकल तैयार है। आज के बाद कभी कैफे पर मत जाना, मेलिफिसेंट गुस्सा हो जाएगी। पर पिज्जा ज्यादा टेस्टी लगता है। सारा खाना यही तो रखा है। अच्छा खाना फ्रिज में रखा हुआ है, देख लो। अरे वो कपकेक्स। नीट, हेलो, कपकेक खा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट बना सकती हूँ। सिंड्रेला, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी जैक, उसे अकेला छोड़ दो, मुझे सिंड्रेला से थोड़ी बात करनी है। तुमने सुना, तुम हमारे खाली समय में हम पर हुक्म नहीं चला सकते। ठीक है, लेकिन क्लास में जरा लेट आकर दिखाना, फिर बताता हूँ। क्या तुम यहाँ काफी समय से हो? हाँ, जादूगरनी ने हमें कई सालों से यहाँ रखा है। कितना भयानक है, मुझे इसे तुरंत साफ करने की जरूरत है। रहने दो, तुम उसे बाद में भी धो सकती हो। नहीं, मैं नहीं कर सकती। गिराओ मत। तुम्हें साफ सफाई की इतनी चिंता क्यों है? सब कुछ साफ होना चाहिए, बिल्कुल साफ। मैं एक शानदार पत्नी बनूंगी। मैं साफ करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? वैसे अरे, मुझे फर्श धोना पड़ेगा। देखो, मैं एक बढ़िया हाउसकीपर हूँ। सॉरी, मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। नहीं, फेंको मत उसे, मैं उसे खा लूंगा। नहीं, नहीं, इसे मत खाओ। मुझे तुरंत तुम्हारा मुंह साफ करना है। अपना मुंह खोलो। रुक जाओ, पागल हो गई हो क्या? मुझे अपने जानवरों को बुलाना है और उसे प्रिंस को फॉलो कराना है। जानवरों, मेरे पास आओ, स्नो व्हाइट तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ? बस कीड़े। हे स्नो व्हाइट। अरोरा, रुक जाओ। ओ, मेरे प्यारे, तुम मेरी मकड़ियों को मार रही हो। तुम इतने एक्टिव क्यों हो? हाँ, मैंने एक एनर्जी ड्रिंक पिया है, अब मैं सोना नहीं चाहती। और तुम प्रिंस के लिए लड़ने नहीं जा रही हो?
मैं क्यों लड़ूं? जिसे वो प्यार करेगा वो यहाँ से निकल सकता है। मुझे परवाह नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। क्या तुम्हारे पास किताबें हैं? बहुत बढ़िया। इतनी सारी किताबें क्यों? मैं प्रिंस को दिखाने जा रही हूँ कि मैं कितनी स्मार्ट और पढ़ी लिखी हूँ। अरे प्रिंस से बात करने की बारी मेरी है। मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस! क्या है? हमारी प्रिंसेसेस बहुत एक्टिव हो गई है। वो चाहती है कि राजकुमार उन्हें पसंद करे। बिल्कुल सही, इसका मतलब वो लोग प्यार में हैं। इसका मतलब मैं उनका दिल तोड़ सकती हूँ और उन्हें विलन की सेना में इंक्लूड कर सकती हूँ। इसका मतलब है क्लास कैंसिल होगी? नहीं बेवकूफ, उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। सिर्फ दुष्ट होना काफी नहीं है। मैंने कहा रुक जाओ, मेरी बारी है। किसे परवाह है, मुझे यहाँ से निकलने की जरूरत है। सभी प्रिंसेस क्लास में जाओ अभी। ओह ये क्लास फिर से। तुम लोग पहले से ही क्लास में हो? शांत, स्नो व्हाइट सो रही है। क्या? उठो उठो, तुम क्लास में नहीं सो सकती हो। क्या स्लीपिंग ब्यूटी किसी को सोने नहीं दे रही? उसने एनर्जी पोशन लिया और अपना दिमाग खो दिया। उठ जाओ। रुक जाओ, मैं जागी हूँ। ठीक है लड़कियों, आंसर लिखो। जादू की छड़ी और उसके उपयोग। अरे नहीं, किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है क्या? फिर से, तुम्हारे पास कोई जादू नहीं है। इस बारे में क्या? तुम बेतरतीब तरीके से कुछ भी कद्दू में बदल देती हो। तुम इसे कंट्रोल नहीं करती। मैं तुम्हें ये सिखाने वाली हूँ। वाह, एक जादू की छड़ी। बढ़िया। क्या? चूहा, चूहा! इसे बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो। मैं तुम्हें बचा लूंगी। खाना? ये मत करो, वो हमारी दोस्त है। मुझे सिर्फ ठीक करने की जरूरत है। अरे नहीं। बहुत हो गया, अपने वॉन्ड्स यहाँ पर रखो और चलो यहाँ से बाहर निकल जाओ, अभी भी जल्दी है। क्या मैं इसे वापस कर दूँ? रख लो। बढ़िया, शुक्रिया। मेरे कलेक्शन के लिए एक और कद्दू। वाह, क्या तुम तलवारबाजी कर रहे हो? क्या तुम भी ट्राई करोगी? बेशक। संभाल के। फिकर मत करो। मुझे तीरंदाजी पसंद है। संभाल के, मेरी तरफ निशाना मत लगाओ, ठीक है? घबराओ मत, मैं पेशेवर हूँ। तुम क्या कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं, चले जाओ यहाँ से। तो क्या तुम तलवार भी इस्तेमाल कर सकती हो? बिल्कुल, मुझे शिकार पर जाना पसंद है। मैं काफी ताकतवर हूँ, तुम्हारी भी रक्षा कर सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि एक राजकुमारी को तुम्हारी तरह होना चाहिए। उसे तो साफ सुथरी और शाही होना चाहिए ना। ओ, उसे मजे करने चाहिए। मिरीडा, नहीं। तुमने सुना उसने क्या कहा? गधा कहीं का। उसकी चिंता मत करो, वो इसी तरह की लड़की है। मैं सब कुछ अच्छे से समझ गया, हम क्या थोड़ी सी बातें करें? जरूर। क्या तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है? हाँ, मैंने भी वो सब पढ़ी है। दो? तुम्हारा मतलब आज? नहीं, वो मैंने दोनों किताबें एक साथ पढ़ी थी। क्या, ये कैसे हो सकता है? किताबें और एजुकेशन लाइफ में सबसे जरूरी चीजें हैं, बेवकूफ। Like Mike Tyson, now I'm here seeing stars.
अरे नहीं, अब तुम पेंट से बिगाड़ दोगी। पेंट कहाँ है? यहाँ। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं, तुम्हें कैनवास पर ब्रश से पेंट करना चाहिए। मूर्ख, मैं हवा के सभी रंगों से पेंट करती हूँ। क्या? मैं प्रिंस का चित्र बना रही हूँ जो उसे पसंद आना चाहिए। तुम्हें इसे पक्का फेंक देना चाहिए, नेट इसे पसंद नहीं करेगा। चली जाओ, तुम कला के बारे में कुछ नहीं जानती। तुम गुस्सा दिला रही हो। वैसे क्या तुम्हें नहीं लगता कि नेट थोड़ा संदिग्ध है? जादूगर ने उसे यहाँ क्यों लाई? इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं वो ब्रेसलेट लेना चाहती हूँ और फिर यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी वजह से दोबारा शुरू करना होगा। तुम तो बहुत ही बढ़िया डांस करती हो। मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मेरी एनर्जी खत्म हो रही है। ये क्या तुमने गौमूत्र पिया? एनर्जी ड्रिंक, आओ नाची। अरे तुम तो सब पी जाती हो। हाँ, तुम भी। तुम्हारी आंखें कितनी नशीली हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो बस डांस कर रहे थे। ये तो यहाँ पर अलाउड है ना? इजाजत है, लेकिन तुम्हें जैक के साथ काम है। हाँ, और तुम 15 मिनट लेट हो गए हो। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। मैं किसके साथ डांस करूँ? तो चलो साथ में डांस करते हैं। क्या तुम पूरी तरह पागल हो? क्या प्रॉब्लम है, डांस करना कितना मजेदार है। अब 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 मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। यहाँ लेट जाओ, मैं जैक को तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाने के लिए कह दूंगी। प्रिंस मेरा है, वो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। मैं तुम सबको बांध के प्रिंस को खुद ले लूंगी। कोशिश कर लो। कमजोर कहीं की? आह, तुम लूजर्स हो। ओह, ये अच्छा किया, अब प्रिंसिपल आ जाएगी। अरोरा, सोतड़ू, उसे फर्श पर रखो। देखो, इससे सुई चुभी है। अरे नहीं, अब क्या करें? क्या मुझे इसे जूते से मारना चाहिए? नहीं। हम बोनो को बुला सकते हैं, उन्होंने मुझे किसी तरह जगाया था, हालांकि मुझे नहीं पता कि कैसे। बढ़िया आइडिया है बोनी। बोनी, तुम्हें दिख रहे हैं वो? नहीं, वो यहाँ पर नहीं है और हम स्कूल छोड़कर उनकी तलाश नहीं कर सकते हैं, गधी। अरे शांत हो जाओ, हमें किताब में देखने की जरूरत है। क्या इतना काफी है? नहीं, तुम्हें और फ्लेक्सिबल होना होगा। इससे कोशिश करो। अब भला ये किस लिए है? फालतू के सवाल मत करो, प्रैक्टिस करो, समझे? शैतानी, और शैतानी चेहरा, और शैतानी चेहरा बनाओ। लेकिन मुझे शैतानी बनना ही नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। क्या मतलब है कि तुम बुराई नहीं करना चाहते? तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें मेरे जैसा होना चाहिए। मगर मुझे नहीं बनना है। अगर तुम चले गए तो मैं तुम्हें मेडक बना दूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा ही बेटा बनेगा एक मेंढक। तुम फिर भी विलन बनोगे। हम उसे यहाँ घसीट कर ला ही क्यों? यहाँ एनर्जी बेहतर है। बेचारी बेले, क्या तुम्हें कुछ मिली? नहीं, किताबों में कुछ भी नहीं है। ओह नो, इसका मतलब स्लीपिंग ब्यूटी हमेशा सोती रहेगी। मैं इससे तंग आ चुकी हूँ, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। मुझे हैरानी है कि तुम ऐसा कैसे करोगी। मैं प्रिंस का कंगन चुरा लूंगी। मैं
मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। अरोरा, हे अरोरा, तुम्हें क्या हो गया? उठ जाओ। क्या मेलिफिशन ने तुम पे कुछ जादू कर दिया है? अरे नहीं, मुझे तुमसे प्यार हो चुका है, मेरी स्लीपिंग ब्यूटी। प्रिंस, तो तुम उठ गई। फाइनली मैं अपना फेवरेट कॉकटेल शांति से पी सकती हूँ। मैलेफिसेंट मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस! तुम फिर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या आग लगी है? वो राजकुमारिया, उन्होंने उन्होंने ये पी लो आराम से। शुक्रिया मिस्ट्रेस। तो क्या हुआ? वो राजकुमारिया राजकुमार का दूसरा ब्रेसलेट चुरा कर यहाँ से भागना चाहती है। तो क्या कंगन में जादू है और नेट इसे केवल अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ में रख सकता है और उसे इनमें से किसी भी लड़की से प्यार नहीं है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। क्या क्या कहना चाहते हो? बात ये है कि नेट ने किस करके स्लीपिंग ब्यूटी को नींद से जगा दिया। क्या वो भाग रहे हैं? उन्हें जल्दी पकड़ो। रुक जाओ, मुझे पैक करना है। तुम क्यों पैकिंग कर रही हो? जाने वाली तो मैं हूँ। हम उसके बारे में देखेंगे। अपने साथ किताबें लेके क्यों जा रही हो? मुझे तो धनुष के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं किताबों के बिना नहीं जा सकती, मैं उनके बिना एक दिन नहीं रह सकती। तुम तो अपने साथ माचिस और खाना ले जाओ, जंगल में जिंदा नहीं रह पाओगी। हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ले लो अपनी किताबें, उन्हें जलाकर मैं कैंप फायर बनाऊंगी। क्या बदमाश है। रुको, मैं भी आ रही हूँ। चलो अपना सामान पैक करते हैं। मैं अपने कपड़े पीछे नहीं छोड़ूंगी। मुझे कौन सा लेना चाहिए, ये या ये? तुम एक कद्दू लेना चाहती हो? अरे हाँ, कम से कम एक ये दोस्तों की तरह है। तुम पागल हो, तुम्हें कपड़े लेने चाहिए और मेकअप लेना चाहिए। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तुम एक ही तरह की ड्रेस पहनकर बिना मेकअप के नहीं रह सकती। ओह, अच्छा आइडिया है, शुक्रिया। अरे मेरा क्या? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी प्यार हो गया था। और मुझे तुमसे प्यार हो गया, लेकिन हम साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन क्यों? हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। जादूगरनी कभी नहीं मानेगी, वो हमारे प्यार के खिलाफ है। तो मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बेशक। इसके बारे में सोचना भी मत, तुम्हें कंगन नहीं मिलेगा। सिंड्रेला, उसे कद्दू से मारो। मैं तुम्हें किताबों से मारूंगी। कोशिश कर लो। पकड़ी गई हो तुम सभी। तुम सभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती हो, समझे? तुम हमें नहीं रोक सकते। तुम क्या कहना चाहती हो? पकड़ो। भागो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें मेरा महल जरूर पसंद आएगा। लेकिन तुम ऐसे खड़ी क्यों हो? हमें जल्दी जाना होगा। नहीं, मैं नहीं जा सकती। लेकिन क्यों नहीं? तुम्हें मेलिफिशेंट ने इतने सालों से कैद करके रखा हुआ था, बस कुछ कदम और तुम आजाद हो जाओगी। हाँ, लेकिन लड़कियाँ अभी भी वहाँ हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। लेकिन फिर हम साथ नहीं रह पाएंगे। मुझे पता है, सॉरी। सीधे खड़े रहो। क्या हो रहा है? अरोरा, तुम जाग कैसे रही हो? मैंने जगाया है उसे। बिल्कुल, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। स्लीपिंग ब्यूटी को सच्चे प्यार के चुंबन से जगाया जा सकता है। जब तक तुम पढ़ाकू हो रही हो, ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, हम कल बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे। मैं अभी जाना चाहती हूँ, समझे? मैं निकलना चाहती हूँ। वापस दे दो ब्रेसलेट। लड़कियों रुक जाओ, दे दो, 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 दे दो
कोई कहीं नहीं जा रहा है। मॉम, आप इन्हें हमेशा के लिए तो यहाँ पर नहीं रख सकती ना। मॉम, मैंने कहा था इसके बारे में कुछ गड़बड़ है। अच्छा किया जैक। मैं इस ब्रेसलेट को तबाह कर दूंगा और तुम सभी यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहोगे। नहीं। वो क्या था? बेवकूफ, तुमने जादू तोड़ दिया। अब वो यहाँ से निकल सकते हैं। उन्हें रोको। ऐसा नहीं हो सकता। अरे नहीं, ये वापस आ गई। छड़ी वापस आ गई। सिंड्रेला, फ्रीज। ऐसा कैसे कर सकती हो? तेरी तो फ्रीज। हम आजाद हैं। चलो यहाँ से चले। चिल्ला क्यों रही हो तुम? मैंने एक भयानक सपना देखा। मैंने भी। हम डिज्नी प्रिंसेस थे और जादूगरनी हमें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। हम सब ने शायद एक ही सपना देखा। हेलो। प्रिंस। थैंक यू मेरी जान, लेकिन मैं सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हूँ, तुम्हारा पैकेज देने के लिए आया हूँ। लेकिन हमने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। ये एक गिफ्ट है और इसके अंदर लेटर भी होगा। एक सेब, तीर, एक सुई, किसी तरह की किताब, एक कद्दू। ये सब हमारे सपने से है। ये सब हमको किसने दिया? मैं। तुम पैरेलल यूनिवर्स में भी मुझसे नहीं भाग सकते। और वो हर बीतते दिन भारी से भारी होती जा रही है। अपनी छड़ी वापस दो और यहाँ से निकल जाओ। ये अभी भी जल्दबाजी है और यहाँ से निकल। मैं इससे परेशान हूँ। सही है। अब मैं तुम्हारी सुंदरता को ठीक कर दूंगी। इसे दोबारा करते हैं। मैं। चलो चलते हैं। क्या मैं कराटे लूं? तुम मुझे साइन करने वाले हो कि नहीं?